कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पद से इस्तीफा दे दिया है, बकायदा लिख मेरा ये कहना कि 25 मई 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और माननीय राहुल गांधी जी ने अपना इस्तीफा देने की बात वहां कही थी कि मैं अपना इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन वर्किंग कमेटी की बैठक में सब लोगों ने अनुरोध किया कि हम आपके इस्तीफे पर आप इस पर विचार करें, हम इसे मंजूर नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब से वो अध्यक्ष बने हैं, 2017 में अध्यक्ष बने और 2017 के बाद में लगातार कांग्रेस संगठन को हर प्रदेश के अंदर में मजबूत किया। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कोई कसर बाकी नहीं, जहां कहीं पर भी उन्होंने जरूरी समझा, वे दिन में कई मीटिंगें लगातार लेते थे और इस सरकार के बारे में, जो इस सरकार की नाकामियां भी है उनके बारे में कहते थे। तो हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व कांग्रेस को मंजूर है। सर, ये बात है कि आपको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है क्या? नहीं, मुझे कुछ की कोई जानकारी भी नहीं है। ये तो लोगों ने मुझे पूछा, मैंने कहा मुझे तो कोई जानकारी नहीं है।